ये सिर से लेकर पैर की उंगली तक आप इसको पकड़ लीजिए, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, इसी को सब कुछ मान लीजिए, आप प्रयोग करते चले जाइए, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज, आपकी गठिया, पेट की बीमारी, चिंता, पारिवारिक झगड़ा, गरीबी धीरे धीरे वैसे मिटने लगेगी जैसे कोई मिट्टी का ढूहा हो, फाड़ा लेकर के उसको आप मिट्टी हटाइए। कुछ भी कहने के पहले हम भारतीय संस्कृति के एक सूत्र को हम दोहराएंगे। बिफोर सेइंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू रिपीट रिसाइट द मेन वर्स ऑफ द इंडियन हेरिटेज दैट स्पिरिट इज वन व्हिच इज फॉर्मलेस ओमनीप्रेजेंस गॉड दैट हैज पावर टू मैनिफेस्ट इन द विजिबल फॉर्म। निराकार परब्रह्म में एक है, उनमें इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, को स्वयं सब रूपों में प्रकट होते हैं। इसी भावना के साथ, इसी विचार के साथ हम आप सबको नमन करते हैं कि आप सबको हम दिल से
अपने अनुभव से आपको ही नहीं ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं को परब्रह्म का साकार रूप मानते हैं। हम बहुत ही खुश हैं कि मैं इस समय बंगाल से जुड़ा हूँ, कलकत्ता से जुड़ा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ लवकुश जी को, बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बंगाल हमें बहुत ही पसंद है। आई वुड लाइक टू थैंक्स लवकुश जी, आई लाइक बंगाल वेरी मच। आई विजिटेड इन 1978 टू माई नो टू हाउस गरपार रोड वर योगानंद वॉज बॉर्न। I visited there, I stayed there, I ate many times there, I meditated in the room where Yogananda found God. Sanlal Ghosh was very, very good and very good friend of mine, though I was medical student at that time. But I visited Calcutta to give Kriya Yoga meditation class. I stayed at Kamakhya Street, 22 Wood Street. Again, I am able to spread my greatest joy to connect myself to Bengal, to Calcutta. हम बहुत ही आभारी हैं लोकुश जी के, और जो कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं विश्वजीत राय, हम बहुत ही खुश हैं आपसे मिलकर के कि आज हम कलकत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे अनुभव हो रहा है। आइए आपको मुख्य विषय पर ले चलते हैं। आइए हम आपको लाते हैं क्रिया योग विज्ञान पर। क्रिया विज्ञान वो शिक्षा है जिसको हम पूर्ण शिक्षा कह सकते हैं। Shall I speak in Hindi or English or translate bilingual? हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे, जैसे हम क्लास लेते हैं, कि कलकत्ता में सब हिंदी नहीं समझते होंगे, अंग्रेजी से भी समझते होंगे, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा स्पिरिचुअल अंग्रेजी को टेक्निकल होती है, जिसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए बाइलिंगुअल हम एक्सप्लेन करेंगे। क्रिया योग साइंस इज ए परफेक्ट एजुकेशन, इट हैज बीन प्रूव्ड इन नोअर ऑफ क्रिया योगा मेडिटेशन, हु इज परफेक्टली वन विद द क्रिया योगा मेडिटेशन, ही इज द बेस्ट डॉक्टर, ही इज द बेस्ट इंजीनियर, ही इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी, ही इज एबल टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल काइंड्स। क्रिया योग एक ऐसी शिक्षा है, ऐसा विज्ञान है, जिसके साथ जुड़ जाने पर ये शुद्ध हो चुका है, हर प्रकार की समस्याएं हम दूर कर लेते हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो केवल मेडिकल साइंस जानेंगे, इंजीनियर हैं तो केवल इंजीनियरिंग जानेंगे, लेकिन अगर हम क्रिया योग जानते हैं तो हम सब एक साथ हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक पुस्तक है। ये पुस्तक लिखी गई, लाड़ी महाशय ने भविष्यवाणी किया था। लाड़ी महाशय कौन है? वो भी बंगाल के ही आके वाराणसी में बसे, जिनको क्रिया योग का ज्ञान सबसे पहले महावतार बाबा ने दिया। इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि हमारे जाने के 50 साल के बाद हमारे विषय में कोई लिखेगा। हमारे विषय का अर्थ क्या है? क्रिया योग के बारे में, लाड़ी महाशय के बारे में। तो लाड़ी महाशय ने सिद्ध करके दिखा दिया है, एक गुरु भाई थे स्वामी इक्तेश्वर गिरी के, स्वामी इक्तेश्वर गिरी लाड़ी महाशय के शिष्य, जिन्होंने होली साइंस लिखा है। ये बेस्ट स्क्रिप्चर है, जितना आपको कुरान, बाइबिल, गीता और जितने धर्म ग्रंथ है पूरी दुनिया में, महर्षि पतंजलि, इन सब का ये सार है। ये छोटी सी बुक जो दिख रही है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इक्तेश्वरगिरी लहरी महाशय के शिष्य, और इक्तेश्वरगिरी के अंदर में परमहंस योगानंद ने शिक्षा लिया। और ये बड़ी भाग्य की बात है, ये ऋषि मुनि की कृपा सब पर है, हमारे ऊपर भी है। तो लहरी महाशय ने सिद्ध किया कि इक्तेश्वरगिरी के जो गुरु भाई थे, इनके साथी लहरी महाशय के पास आते थे, वो मर गए। उनका नाम था मिस्टर राम। और मरने के कई घंटे के बाद, 17-18 घंटे के बाद, दूर से ही लाड़ी महाशय ने जिंदा किया। मेडिकल साइंस का उच्चतम रूप का प्रदर्शन। और दूर से ही लाड़ी महाशय मशीनों को ऑपरेट कर देते थे,
इंजीनियर का सबसे बड़ा प्रमाण, एक जगह पर आकर के कैसे लंदन में गए, उनके ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट की वाइफ बीमार थी, उनको ठीक करके पलभर में आ गए, इससे बढ़िया एरोप्लेन किसके पास होगी। लाड़ी मास्टर स्वयं ऑफिस में भी बैठे रहे और साथ में गए और आए। ये मिस्टिक नहीं है, ये चमत्कार नहीं, विज्ञान है ये। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, एक विज्ञान है ये। तो क्रिया योग ध्यान से हम विज्ञान की पूर्णता पर आते हैं। थ्रू द क्रिया का प्रैक्टिस वी रीच टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ साइंस एज लाड़ी मास्टर डेमोंस्ट्रेटेड, टू ट्रेवल द कॉस्मिक ट्रेवल टू हील द पीपल। राम died, he was having asiatic cholera, he was disciple of Ram. After many hours his death and body become tight, Ram was raised from death. This is demonstrated by Lord Himself. In me he was the highest medical doctor. Not only this, he demonstrated to operate machine from very far distance without any remote control, without any computer. At that time there was no computer. He has proved, if you are one with the Kriya Yoga, you are having the best education, you can do anything whatever you want. And what is Kriya Yoga? यहाँ इलाहाबाद में अनेक लोग अमेरिका के, कनाडा के और ब्राजील के, सिंगापुर के, यूरोप के और साउथ अफ्रीका के, यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जो इतने बीमार थे कि व्हील चेयर पर थे, डॉक्टर स्वयं थे, 14 साल 16 साल हो गया, ये लोग एकदम ठीक हो गए, दो दो बाईपास था, 20-20 दवाएं खाते थे, 16 साल हो गया, एक अमेरिकन डॉक्टर जिनके बाबा भी डॉक्टर थे, इसमें 75 वर्ष के हैं लगभग, स्वामी शांतानंद, जिनका नाम डॉक्टर अनिल कुमार है, सारी दवाएं बंद हो गई, एकदम ठीक हो गए। और हमारे यहाँ जैसे टीनेजर होते हैं उस तरह से कार्य में लगे रहते, ऐसे व्हील चेयर पर आए थे कुछ डॉक्टर, एकदम ठीक हो गए, 14 वर्ष हो गया, ठीक ही नहीं हो गए, उनके 3/4 बाल के काले हो गए, उनकी बॉडी नहीं हो गई, 85 साल के हैं, अब लगते हैं 65 साल के। ये कोई चमत्कार नहीं कि विज्ञान है ये। और क्रिया योग ध्यान इतना सरल है, इतना सरल है, इसको शब्दों में बताने में कठिनाई होती है। जैसे आप आम खाइए, उसका स्वाद कैसा है कैसे बताएंगे? केला खाइए वो भी मीठा, आम खाइए वो भी मीठा, चीकू खाइए वो भी मीठा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे मीठे में अंतर का? नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्रिया योग विज्ञान इतना सरल है कि इसको समझाना कठिन होता है, तब भी जिसको भक्ति है समझने की वो समझ लेता है। क्रिया योग साइंस इज द कंप्लीट साइंस एंड इज इजीएस्ट ऑफ इजी टू प्रैक्टिस, एनीबडी कैन प्रैक्टिस व्हाइल वर्किंग रेस्टिंग इन बोथ कंडीशन, एनीबडी कैन प्रैक्टिस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बिकॉज it is very simple science, language cannot explain it completely. It is devotion, how much devotion I am having to learn Kriya Yoga, it increases understanding power. For example, we are eating mango, we are eating banana, we are eating one fruit sweet, chiku or lychee, all are sweet in taste. How to explain comparison of this way? Very difficult. Therefore, try to remember, with the devotion that we want to solve our all problems, we are not going to blame God, we are not going to blame nature, we are not going to blame anybody, human being, or virus or bacteria, but I am going to solve problem with my own. If you have this desire, Kriya Yoga will be simplest of simple education for us. Agar hamari ichha hai, हम सभी प्रकार के समस्याओं को हम दूर कर लें, अपने व्यक्तिगत समस्या जो भी हो, चाहे बीमारी की हो, चिंता की हो, कुछ भी हो, और सभी की समस्याओं को दूर कर लें, सभी प्रकार के अज्ञानताओं को दूर कर लें, हम भगवान को दोष न दें, भाग्य की रेखा को दोष न दें, माता पिता को दोष न दें, इस प्रकृति को दोष न दें, और अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं हम समस्याओं को सब सुलझा सकते हैं, अगर सभी प्रकार के समस्याओं को सुलझा सकते हैं, तपेंद्र वो शक्ति वो ज्ञान होगा जिसे हम कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि हम ईश्वर की संतान हैं, वी आर चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, इफ आर चिल्ड्रेन ऑफ गॉड वी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम।
how to solve all problems. It is the Kriyaga meditation. It is so simple, it is so simple. But I am giving a simple principle philosophy, try to listen. पूरी दुनिया में बीमारी क्यों हुई, चिंता क्यों हुई, डर क्यों हुई, पूरी दुनिया में गरीबी क्यों हुई, हम चाहते पैसा क्यों नहीं आता है। हमने तो सिद्ध किया, हम लोग जमींदार थे, बहुत धनी थे। अगर पूरी जमीन को, धन को खत्म न कर दिए होते, क्रिया के प्रचार प्रसार में, लोगों खिलाने पिलाने में, आप इतनी बड़ी संपत्ति जिसमें 100 लोग पूरे जीवन बिना काम किए खा सकते थे, रह सकते थे, सबको बेच करके 1992 में, 1992 में एकदम हम घर विहीन, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई जमीन नहीं, और ना तो आरती कराए, ना कोई मंदिर की पूजा कराए, ना कोई मूर्ति पूजा कराए, ना कोई रसीद काटे, ना कोई फंड रेजिंग किए, ना कहीं पर गए, ना किसी से कहे। जो लाड़ी मासे ने कहा था, क्रिया ध्यान से जुड़िए, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में 500 लोग कम से कम रुक करके क्रिया योग ध्यान कर सकते हैं, और 500 लोगों को हम खाना खिला सकते हैं। कैसे? प्रेम से। जब आप किसी को प्रेम करिए तो अपने आप शक्ति आती है खिलाने का। सिद्ध हो गया कि क्रिया योग ध्यान करने से पैसा भी अपने आप आता है, लोग भी आते हैं, कार्यक्रम भी चलता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे देश के हर व्यक्ति धनी हो जाए, बाहर का भी धन आए, अंदर का धन जिसे वाइटलिटी कहते वो भी आए, और इसका फैलाना बहुत ही सरल है। ये वो सीख सकते हैं जो क्रिया योग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इच्छुक हैं। आई कैन गिव वन एग्जाम्पल। पाटलहरी महाशय हैज सेड दैट ट्राई टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स थ्रू द क्रिया योगा। वी वॉन्ट मनी टू डू प्रोग्राम, यस वी वॉन्ट इट। Luckily, I was very rich from childhood. My personal property was too much, very huge property, that 100 people can live on that throughout life. 100 people can stay and can eat food up to the last breath. But I sold all property for spreading Kriyaga message. All property were sold. In 1992, I became homeless, moneyless. I never performed any aarti for collecting money. I never performed any ritual worship like temple worship to collect donation. I never did fundraising. I never requested anybody to give any penny. I never applied for grant. I did nothing. I just, God wanted to prove through me, through the Kriyaga practice, everything comes automatically. Now all over the world, best professionals are here. The same ashram having zero money, nothing. Now 500 people can stay here. They can live here. They can practice Kriyaga meditation. Not only here, they got my link of the past life was in North America, in Bengal also. But in North America, I want to establish new kind of center. A thought comes, then 40 acre land we have in Canada, just near the Niagara Falls. 45 minutes drive from the Toronto. That land is 40 acre land, having the best meditation hall, planetarium shape within pyramid. That center is spreading Kriyaga. I'm just going every year there 3-4 times to spread Kriyaga message. But my aim is, India is not nation. India is a continent. Continent means so many languages, so many civilization, so many kind of varieties of the food. We live here, we enjoy here. You will not find any nation in the world. It is just like a combination of many nations. Therefore, Paramahansa Yogananda said in his last speech, "O India, I will be there." So that this India should rise. India has sent their children in all over the world to help them. Now India should rise up. How India will rise up? When Kriyaga will spread? From my childhood, I was requesting them not to put loudspeaker for the worship. I requested the mosque, do not put loudspeaker. You think that
God is deaf? No. You think that Hanumanji is deaf? No. Ram is deaf? No. But I did many programs, but they were not listening. They were thinking that I'm against Indian worship. I'm not. Now, Lahari Mahasaya did something. Yukteswargiri, Lahari Mahasaya, Yogananda, all jointly they did something now. You cannot handle the speaker. You cannot demonstrate, I'm going to bow down to the Ganesh, to the Hanumanji, to Sarprana. Now you have to bow down your wife, your husband, your children, your parents. Now time has come to worship your nearest of near, dearest of dear. This was Indian heritage. This has to be Indian heritage. Therefore, I request all of you, everything is just very nicely, just keep on going. अच्छी तरह से याद रखिए, मैं बचपन से मैं निवेदन करता था काम मस्जिद पर हॉर्न मत लगाइए, भगवान अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, कहते नहीं लोगों को जगाने के लिए हम करते हैं। अरे भाई, जब 10 बजे ट्रेन पकड़नी होती तो आपको पता है कोई हॉर्न लगा के नहीं बताता है कि क्या इतना प्रेम नहीं क्या भगवान से प्रार्थना करते समय अपने आप पता चले कब करना है, नमाज कब पढ़नी, उसके लिए कोई जगाएगा आपको, कोई इन्फॉर्म करेगा। इतनी तो भक्ति दिखाइए, कितने बजे नमाज का टाइम हम सब तैयार हैं, क्योंकि ट्रेन जाने के लिए कोई लाउड स्पीकर से नहीं सुनता कि हमें ट्रेन जाना है। ऐसे मंदिरों में सब दुनिया भर का शोरगुल किए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब ने ऑर्डर किया साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैं मस्जिद मस्जिद गया, मंदिर मंदिर गया, लोगों तक पहुंचा, लोगों ने यह कहा कि हम सनातन धर्म के विरोधी हैं। अब देखिए क्या हुआ, लाड़ी महाशय का दृश्य योजना में सब आवाजें बंद हो गई। हमने मूर्ति बनाया, आपने पूजा की है, हमारी पूजा तो किया नहीं। अब सब मंदिर के कपाट बंद, अब अपनी पूजा करिए अपने माँ की, अपने पिता की, अपने पत्नी की, अपने पति के, अपने बच्चों की, जो आपके ड्राइवर हैं, आपका जो खाना बनाते हैं, जो सफाई करते हैं, उनकी पूजा करिए। ये भारतीय संस्कृति वो अब होने जा रहा है। अब आई क्रियायुग में, करते क्या है क्रियायुग में, जो है कि मिथ फैला है। मिथ क्या है? मिथ ये है कि मृत लोक है ये, ठीक है भाई, मृत लोक है, सब मर रहे हैं। आज आप घर पे जाइएगा, पानी को मारिएगा, आग जलाइए, हे पानी मैं तुम्हें मारता हूं, आप देखिए क्या मारा। कह देगा वो देखो मैं भाप बन के उड़ गया। कह दीजिएगा मैं दूसरी विधि से आपको मारता हूं, मैं ठंडा करूंगा। पानी का देखो मैं बर्फ बन गया। फिर एक वैज्ञानिक आए, कहते अब मैं पानी को मारता हूं, देखो हाइड्रोलिसिस किया, पानी गायब हो गया। कहता मैं गायब नहीं हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप में विद्यमान हूं। पानी को नहीं मार सकते हैं, उसके लिए मृत्युलोक नहीं है। आसमान को नहीं मार पाएंगे, हवा को नहीं मार पाएंगे, अणु परमाणु नहीं मार पाएंगे। तो केवल मृत्युलोक हमारे लिए है, आपके लिए है। हमने अपने बारे में खोज ही नहीं किया, पानी के बारे में खोज किया, पता चला आग में डाले तो भाप बन गया, ठंडा किए तो बर्फ बन गया, हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, ये पता कर लिया। अपने बारे में जब पता करते हैं तो अपनी निंदा करते हैं, सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को हम थकावट करते हैं। आज मौसम अच्छा नहीं है, आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आज ड्राई वेदर ज्यादा है, सिर भारी है तो पेट भारी है, जब देखिए तब अपनी निंदा ही करते जाते हैं। तो क्रिया योग ध्यान में अपने ऊपर एकाग्रता बढ़ा करके हम अपनी निंदा करना कैसे बंद करें, ये अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते जब अपने दृश्य रूप से इसमें होने वाले अनेक प्रकार की क्रियाओं से, जैसे श्वास चल रही है और अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जब इनसे हम जुड़ने लगते हैं, इनको ऐसा प्रेम करते हैं कि यही सब कुछ है, तब ज्ञान होता कब मरते नहीं है। हमारा रूप बदलता है, जैसे बीज से वृक्ष हुआ, उसी वृक्ष से बीज प्रकट होता है। जब ऐसा है हम मरते नहीं है, क्रिया योग ध्यान यही सिखाता है। अपने ऊपर एकाग्रता बढ़ाइए और जानिए
हम अमर है कैसे जानेंगे, तर्क वितर्क से नहीं। आप 100 वर्ष पहले कहाँ थे, पिछले जन्म कहाँ थे, प्रमाण से जानिए। अगर पिछले जन्म में डॉक्टर थे, इस जन्म में डॉक्टर का ज्ञान जल्दी होगा। पिछले जन्म में अगर क्रिया योग ध्यान कराते थे तो इस जन्म में जल्दी कराएंगे। पिछले जन्म में अगर इंजीनियर थे तो इस जन्म में इंजीनियरिंग जल्दी करेंगे। तो पिछले जन्म में कहाँ थे, किस जगह थे, प्रमाण के साथ जाइए और देखिए और सिद्ध करिए कि आपको पिछला जन्म आता है। जब पिछला जन्म जान लेंगे तो अगला जन्म भी जान लेंगे, तो पिछले का पिछला भी जान लेंगे, तो कई जन्मों तक जान लेंगे। तो एक समय आएगा कि जन्मों को जानने का मन नहीं करेगा, चलिए सेवा कार्य करें। इसीलिए तो जब क्रिया योग ध्यान किए, जब पिछला जन्म पता चला, हमारा बंगाल है और अनेक चीजें पता चली, हम तो क्रिया बचपन से हम करते कराते हैं, ये हमारी हॉबी है। जैसे बचपन से श्वास लेते हैं, तब इस कार्यक्रम में पूरी तरह से जुड़ गए। हम मेडिकल कर रहे थे, सेकेंड ईयर बाद छोड़ दिए, हमने पूरा कोर्स नहीं किया। हमने कहा कि भाई हमको क्रिया योग ही कराना है, और हमें ध्यान में आया कि अनेक डॉक्टर जुड़े आएंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पूर्णकालिक जुड़े हैं और सब निःशुल्क सेवा करते हैं, क्रिया योग ध्यान करते हैं और इसी के माध्यम से सेवा करते हैं। आवश्यकता होती है तो लोगों को दवा भी देते हैं, दवा उनको दी जाती है जो क्रिया योग ध्यान नहीं कर पाते। अब एक हिमाचल से एक महिला आई जो चल नहीं पा रही थी, चंडीगढ़ के पीजीआई से भी इलाज चल रहा था, मजा टाइम ही नहीं दिए, एक हफ्ते टाइम दिए थे, जो कई वर्षों से चल नहीं पा रही थी अब दौड़ती, उनका वीडियो आया था दौड़ने का। क्रिया योग ध्यान से कुछ भी असंभव नहीं है। क्रिया का मेडिटेशन, क्रिया का साइंस इज टू रियलाइज अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, दैट वी एक्सेप्टेड फॉल्स कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फॉल्स कॉन्सेप्ट वी एक्सेप्टिंग, दैट डेथ इज श्योर, डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ, ओके ऑल राइट, लेट अस टेक वाटर एंड इन द होम लेट अस हैव बर्निंग फायर and throw the water in that burning fire. I am going to kill the water. What you will see, water will smile, I have become vapor. Okay, all right, now I am going to do another reverse device. I am going to lower temperature of water. Then with this water will die. The water will smile, I have become ice. All right. We are going to do another experiment, hydrolysis. Through the hydrolysis, water is converted to hydrogen oxygen gas, invisible to our eyes. Oh, now water is dead. Water is whispering with joy. No, I am not dead. I have hydrogen oxygen. Therefore, this myth that mortal exists has created hell in our life. Water, you cannot kill. Sky, air, radiations, energy waves, atoms, you cannot kill. Then head to toes, what is this? This is a congregation of atoms and molecules. But we realize, we die, everybody is dying. No, we are not having joyful concentration on self to recognize our real existence. When we place concentration of mind on self, then what we have complained, oh, it is heaviness, I'm having gas, I'm having tension, this is more moist, there is more humidity, it is a very dry climate, all the time we have complained. Sometimes I'm tired, then I lie down, then I slept too much, then again I'm tired, I saw bad dreams, all the time we are criticizing ourselves. Then how you can realize true nature of self? In Kriya Yoga meditation, we give systematic lesson how to place concentration of mind on self and how to love ourselves. Practicing lesson of scientific love
One day we realize that we have achieved 100% love for self, then we will realize this head to toe is what we feel now. Each and every article, each and every character, each and every structure of this is immortal. And you can trace back your past history. You can trace back many lives in the past. This is first proof from in my life when I trace back that I was Bengali in the past life. I will not tell detail about it. I visited my home. So nice, so great love I received. This Kriya Yoga, I realized this is my hobby from the childhood. As I started breathing from childhood, I start sucking milk from the mothers from childhood. In the same way, this was my hobby from childhood. Therefore, try to remember this. Try to solve all problems through the Kriya Yoga. Any problem. I don't have money. Do not worry. Practice Kriya Yoga meditation sincerely. When you start enjoying Kriya Yoga, money will come to you, whatever you need. You need to help 10%, money will come accordingly. You want to help the all humanity, all human beings of the world, that amount of money will come to you. All facility will come to you. But do not just go and rush for money. I want this, I want that. I want power, I want knowledge. I want what is truth. Do not worry. Practice oneness with the Kriya Yoga, 100% guarantee you will get everything whatever you want. But how to practice oneness with the Kriya Yoga? You have to get systematic relation. And how much time it will take? If you want to start just 1 week, come and stay at the bank of Holy Ganga in Allahabad, Prayagraj, or in YFT in Canada when I am there. It takes 7 days in order to learn Kriya Yoga. Then you will get many, many techniques to practice. If you want to stay further, you can stay. If you want to go home, back, go. Practice and have contact with the WhatsApp, with the email. Again, come after some times. In this, you will learn it very easily. We have not put any fees of lodging and fooding. Because I accept this Kriya Yoga principle, philosophy is true. God has become all. How can I take charge from you? I serve you as I am serving God. Everything will come automatically. I believe in this. Therefore, your residence is free, teaching is free, food is free. And your accommodation is good, like very good place. You will not have any complaint. Therefore, you have real desire to learn it. Question and answer session will not give you the insight. Just come directly, join the practice, minimum 1 week. Suppose that, okay, you want to ask question. You will get all answered in this class automatically. But still, we have great desire to communicate, all right. Okay, when I'm eating mango, you ask question, how tasty it is. I will say sweet. Then we'll say, this is banana. Please eat this. I'm eating that. What it tastes? I will say sweet. You will tell me to explain difference. How can I explain difference? If the best thing is to learn Kriya Yoga, come for you, I have made home very clean. Come and stay here. Our food is the best food in the world. What I taught science of food in North America from 1994 and onwards up to 2006, the same science of food is recommended by the Medical College of the Canada and USA, that your food should be plant-based nutrition. If you are consuming the plant-based nutrition, who should be the mature, not immature? Mature fruits and mature grains, try to eat according to the chemistry of digestion. You will learn it in the class we teach everything. You will find your vitality is increasing. Therefore, in the Kriya Yoga science, we explain everything, how to use your eyes to increase vitality, how to have vision to increase vitality, how to use ear to listen to increase vitality, how to use tongue to taste the food to increase vitality, how to use nose to experience fragrance to increase vitality, how to experience touch perception, tightness, relaxation
to increase vitality. Each and every program is this, to increase vitality more and more. यहाँ जब क्लासेज में हम लोग सिखाते हैं कैसे आंखों से देखिए कि जीवनी शक्ति बढ़े, कैसे कान से सुनिए कि जीवनी शक्ति बढ़े, कैसे नाक से सूंघिए कि जीवनी शक्ति बढ़े, कैसे जीवा से स्वाद लीजिए कि जीवनी शक्ति बढ़े, कैसे नहाइए कि जीवनी शक्ति बढ़े, कैसे शरीर को कड़ा ढीला करके जीवनी शक्ति बढ़ाइए। यहाँ के हर प्रोग्राम में जीवनी शक्ति अपने आप बढ़ती है, और जब जीवनी शक्ति बढ़ने लगती है एक चीज और होती है, अंदर में जो ज्ञान छिपा है जगने लगता है, जो शक्ति सोई है जगने लगती है, जो शांति छिपी है प्रकट होने लगती है, एक आनंद ऐसा प्रकट होता है जिसकी कोई तुलना ही नहीं। अच्छी तरह से देखिए भारतीय संस्कृति क्या कहती है, बोलिए कम काम ज्यादा करिए। अगर 10 घंटे भर हम शाम तक बोलते रहेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं। आप इनवाइट करते हैं, जैसे आप कमरे में रहते हैं इलाहाबाद शाह हम रहेंगे, आपको 4-5 हज़ार रुपये रोज देना पड़ेगा, खाने का भी देना पड़ेगा, हमारे यहाँ फ्री अकोमोडेशन है आपके लिए, हम आपकी पूजा करते हैं। आप अरे आप जो क्रिया को नहीं जानता उसकी पूजा क्यों करेंगे भाई? छोटा बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, राम कृष्ण पैदा हो गए, उसका एक एक नाम देखते हैं, दुर्गा नाम रखते हैं, सरस्वती नाम रखते हैं। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ वो न बोलता है न चलता है न कुछ करता है, उसको तो बहुत महान कहते हैं कि नहीं। क्रिया आपको आता है या ना आता, इसी सिद्धांत के अंतर्गत हम पूरी मानव जात की पूजा करते हैं, हम सबकी सेवा करके हम धन्य हो जाते हैं। हमने देखा है जैसे जैसे सेवा का विस्तार करी अपने अंदर ऐसा आनंद शक्ति और ज्ञान फैलता है, ऐसी जीवन शक्ति बढ़ती है, जो कोई भी खाना खाइए नहीं बढ़ेगी, कोई भी किताब पढ़िए ज्ञान नहीं मिलेगा, कहीं घूमने जाइए शांति आनंद नहीं मिलेगा। गीता आनंद और शांति मिलती है जब क्रिया को फैलाने का काम करिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया भारतीय संस्कृति में ज्यादा बोलना मना है, भारत जो गड़बड़ हुआ जो नीचे आ गया ज्यादा बोलने वालों से, हम बोलते ज्यादा है करते कम है। हम सीधा आपको इनवाइट करते हैं आप आए आश्रम, आपको कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते। नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्रिया योग बहुत पहले से मैंने ऑटोबायोग्राफी किताब पढ़ी थी 2003 या 2004 में, उसके बाद ये नहीं पता लगा कि यहाँ कहाँ से दीक्षा लेनी है, तो मुझे 1-2 साल पहले पता लगा इलाहाबाद के बारे में, आपके आश्रम के बारे में, तो मैं वहाँ गया भी था, वहीं से मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ऐड किया गया। तो मुझे ये दीक्षा अगर लेनी है तो इसका क्या प्रोसीजर है और आप कब देते हैं, इसके बारे में पता करना। ऐसा अभी तो लॉकडाउन हमेशा मैं यही हूँ। हाँ जी। आप 1 वीक के लिए तब तक आ जाए जब तक मैं अमेरिका न जा रहा हूँ, अभी तो जाऊंगा नहीं मैं सितंबर तक। 1 वीक के लिए आ जाइए, चुपचाप क्रिया के लिए आइए, बाकी और काम हो तो आगे पीछे करिएगा, यहीं पर रहिए, यहीं खाइए, यहीं सीखिए। 1 हफ्ते में आपको इतना मिल जाएगा कि आपको 6 महीने काम चलेगा, फिर आना पड़ता है। जैसे पेड़ बढ़ता है ना, पेड़ बढ़ता है तो उसमें खुराक बढ़ती है, पानी और लेगा, खाद और लेगी। ऐसे जब 1 वीक रहेंगे जब आप सीखेंगे, उसके बाद 2-3 महीने बाद लगेगी इसमें और ऐड करना है, और सब पहले से ही ले लेंगे कि क्या क्या ऐड करें तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे पेड़ में खाद डालनी है, पहले से ही 10 बोरी खाद इकट्ठा करके रख दीजिए, समझ में नहीं आता। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, जैसे जैसे जानवर बड़ा होगा, जैसे जैसे अपना बच्चा बड़ा होता है, उसे खुराक बढ़ती है। सबसे सरल तरीका आप 1 हफ्ते के लिए आ जाइए, लेकिन जब यहाँ पर आइए तो लक्ष्य हो क्रिया योग सीखने के लिए, और कोई काम हो उसके आगे पीछे कर लीजिए। मैं दिल्ली के पास फरीदाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ से अभी तो जाना मुश्किल होगा, थोड़ा आगे और कोई टाइम आप बता सकते हैं? जाना मुश्किल नहीं होगा, पास बनता है स्पेशली,
पास बनवाने की हम जा रहे हैं, क्रिया ध्यान सीखने, हमारी वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़ाना, हमने कई वेबसाइट पर डाल रखा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपको परमिशन दे देंगे डीएम, चले आइए यहाँ। जब आइए इलाहाबाद में, जब पहुंचिए तो हमको बता दीजिए, हम यहाँ से आपको सीधा आश्रम में बुला लेंगे। गुरु जी मैं पूरी कोशिश करता हूँ वहाँ पे आके आपसे। ठीक है, स्वागत। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए प्रश्न इसलिए न पूछे और हम लोग एक दूसरे की इंगेज रखे, प्रश्न पूछे वास्तव प्रश्न हो तब। जब सिद्ध हो गया क्रिया आश्रम से गरीबी भी दूर होती है, अंदर की गरीबी वाइटलिटी, बाहर की गरीबी, हमें पैसा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, हम तो सब बेच दिए थे ना, जीरो था, सब बेच दिया, सब अपने आप हुआ, मैं कभी कार खरीदने का प्रयास नहीं किया, ये सब अपने आप आया है, अपने आप आया, जबरदस्ती आया है। तो आप ये सबकी चिंता ना करिए, केवल ये प्लानिंग करिए कैसे क्रिया सीखे बस। गुरु जी मैं सौरभ बोल रहा हूँ, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। जी बताए। मैं लास्ट 4 साल से इनिशिएशन मेरा नहीं हुआ है, बट मैं मेडिटेशन करता हूँ रोज, अपने क्रिया योग को मेडिटेशन करता हूँ। कहाँ से लिया आपने क्रिया योग? इनिशिएशन करने के लिए मुझे रांची जाना था। हाँ, लिए है ना? हाँ जी, मेरा सब लेसन खत्म हो गए, सब बहुत अच्छा रेडी हो गए, कैंसिल भी मैंने रेडी कर, पर मुझे भेजना है। और दीदी से मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप में, तो मैंने ये भी पूछा था कि रांची और आप में क्या डिफरेंस है, आपसे अगर इनिशिएशन लेते या उनसे लेते, या गुरुजी में रांची में जाते हैं, इसमें कुछ अंतर होगा या सेम है? देखिए इसका उत्तर ये है, परमहंस योगानंद को दीक्षा दिया था सबसे पहले उनके पिताजी ने, हाँ जी, फिर उनके संस्कृत ट्यूटर ने दिया, फिर एक और संत दिए थे, लेकिन जब एकटेश्वर ऋषि उनको मिला तो अरे पूछिए नहीं, वही चीज, वही रोटी है माँ खिलाएगी, वही रोटी है कोई और खिलाएगा, अंतर होगा कि नहीं? कौन कितना क्रिया योग करता है, इसके प्रति किसी कितनी भक्ति है, ये निर्भर करता है जो दीक्षा दे रहा कैसे अनुभव होगा। हमारा तो निवेदन है कि आपको दोनों जगह से लेना चाहिए, और रांची से ले लीजिए फिर यहाँ लीजिए, या यहाँ ले लीजिए फिर रांची जाइए। बिकॉज़ मैं खुद इलाहाबाद, मैं रांची में रहा हूँ 4 महीने, मैं रांची में रहा जो आनंद में गिरी थी, मेडिकल छोड़ करके आया था, तो मैं रांची में 4 महीने था, तो हमें कोई अलग से खोलने का मन नहीं था, क्योंकि योगदा मठ अपना घर हम मानते थे, लेकिन जब वहाँ कार्यक्रम में करने लगा तो वहाँ से ढेर सारे लोग बहुत ठीक होने लगे, तो वह एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसको ये थेरेपी के लिए दिया जाए, तो दया माता को डर लग गई कि इस इंडियन को कैसे कोई चीज़ सौंप दे बिना डिटेल जाने। हमारे साथ कृष्णानंद थे वहाँ पर, स्वामी कृष्णानंद, जो आजकल वहाँ नहीं कहीं और है, तो ये सब जाने के बाद फिर आई ओपन इलाहाबाद। तो आप रांची लेते हैं, आप बहुत अच्छा रांची लीजिए, योगदा पाठ पढ़ते उसको छोड़िएगा मत, पढ़ते रहिए। हाँ मैं पढ़ता हूँ सर, मैं जब भी मिलता है टाइम मैं पढ़ता रहता हूँ, और व्हाट्सएप पे सारे मैसेज आते हैं, रोज पढ़ता रहता हूँ, रोज मेडिटेट करता हूँ, बट वही है कहीं पे एक छोटा सा लिंक है जो मेरे से भगवान मेरे से हर वक्त पूछता रहता हूँ यार। देखिए गुरुपूर्ण में दीक्षा प्रोग्राम 10 दिन का होता है, इस बार 1 हफ्ते का होगा या 10 दिन का, आप उसमें आ जाइए, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे में दीक्षा की क्रिया नहीं दी जा सकती है, हायर फिलॉसफी है, इसके लिए बताना पड़ता डिटेल, तो गुरुपूर्ण में है, आपको वेबसाइट मिलेगा कब से कब तक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इलाहाबाद वाला? हाँ आपके साथ। हाँ जी है। फिर आप रांची भी चले जाइए बाद में कभी जब जाना हो, और जो करते हैं उनको उनको बता दीजिए हमें करते हैं। नहीं मेरे को दो चीज समझ में आया, मैं उसके लिए प्रभु जी से हर वक्त पूछता, गुरु जी से हर वक्त पूछता रहता हूँ। मैं जब भी कोशिश करता हूँ जाने के लिए, और मेरा दिली मन है कि मैं इस लाइन पे जाऊँ, बट मेरी वाइफ बहुत गुस्सा करने लगती है, एंड तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम, फिर मैं सोचा ठीक है जब टाइम आएगा फिर जाऊंगा, तो ये करते करते सालों निकलते जा रहा है, 1 साल, अरे नेक्स्ट ईयर,
नहीं वो बोलेंगे या बच्चे को पढ़ाई है, अब ये है, अभी वो है, तुम कैसे जा सकते हो। तो हर वक्त ये वो सालों सालों निकल जा रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस रेडी है, सब कुछ रेडी है, चैप्टर खत्म। अपनी वाइफ को आप प्रेम नहीं करते हैं, सुनी हमारी यहाँ पे इतना खिंचान है कि जा ही नहीं, बिकॉज रांची इज माई इन लॉज प्लेस, माई वाइफ इज फ्रॉम रांची, उनका घर है, सब कुछ है, बट वही गुजरी बोले की क्या, क्योंकि मेरा टाइम अभी नहीं आया। हमारी बात सुनिए ध्यान से, टाइम हैज नॉट कम फॉर मी। ना ना ये सब चीजें नहीं होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ सुनिए ध्यान से। आपको जब नहीं कर पा रहे करते समय नहीं आया, इसमें आप किसी को ब्लेम मत करिए, न भगवान को, न गुरुदेव लोगों को, न पत्नी को। सीधा संबंध है, आप पति पत्नी को मानते नहीं होंगे, आप उनको सीधा प्रेम करेंगे बिल्कुल आपको अनुमति देंगे। हमारी श्रीमती जी जो मैंने कहा था ना कि हम लैंड लॉर्ड थे, बहुत प्रॉपर्टी थी, उन्हीं प्रॉपर्टी थी उनका, इतना सब करोड़ प्रॉपर्टी मैंने बेच करके जीरो कर दिया कि मदर फादर मतलब जिंदा थे, सब यहाँ पर आए, कमरे में रहते थे, अपना गहना भी बेच दिया क्योंकि उनको मैं प्रेम करता हूँ। आप अपनी पत्नी को प्रेम करिए जैसे आप गॉडेस को प्रेम करते हैं, जैसे डिवाइन मदर को प्रेम करते हैं, जैसे लड़ी मास्टर को प्रेम करना चाहते हैं, आपको सहर्ष अनुमति देंगे। और प्रेम करना ना आता कोई चिंता नहीं, रिचार्जिंग और करिए, रिचार्जिंग क्लियर ना हो तो हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे लाइव रिचार्जिंग, उसको धीरे धीरे और गहराई समझिए, हंसा को बढ़िया करिए, उसके बारे में ढेर सारी प्रैक्टिसेज यहाँ पर हैं, आप रिक्वेस्ट करिएगा आपको मिलेगा। कान बंद करके जो ओम वाइब्रेशन सुनते हैं उसको और गहराई सुनिए, काम करते हुए कैसे करिए रिचार्जिंग का प्रिंसिपल का प्रैक्टिस वो करिए, आपकी वाइफ अपने आप आने देंगे, उनसे आपके बार बात करा दीजिए, आपको परमिशन दे देंगे। भगवान कैसे मिलने वाले, इसको नोट कर लीजिए, आप उनके पास बैठिए, हाथ जोड़ करके हमसे बात करा दीजिएगा फोन पर, ठीक है, हमारी आवाज जाएंगे, आपको परमिशन दे देंगे। ठीक है। गुरुजी मैं नरेश बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। अच्छा, हाँ सोलन में भी मिले थे हम लोग। अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। थोड़े दिनों से मैं रोज सुबह मेरी नींद 3 बजे खुलती थी, तो लेकिन मैं उठ के फिर सो जाता हूँ, तो पिछले कोई 15 दिन से अब मैं सुबह 3 बजे जब नींद खुलती है उठ के नहा लेता हूँ, तो उस वक्त ध्यान पे बैठता हूँ, तो जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मेरे को ना बेस जो मूलाधार चक्कर है ना जहाँ पे वाइब्रेशन होती थी और बैठे बैठे थोड़ा सा झटका लगता था, और ओम मेडिटेशन करते हुए भी कानों में वो घंटी वाली आवाज पहले धीरे धीरे सुनाई देती थी छोटी सी, आजकल थोड़ी अच्छी सुनाई देती है, और आज सुबह मेरे को काफी दिनों के बाद एक दो झटके लगे बैठे बैठे, तो ये सब ठीक हो रहा है? ये सब झटका लगता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रिचार्जिंग और करिए। हाँ रिचार्जिंग मैं सुबह शाम कर रहा हूँ, रिचार्जिंग और मन लगा करिए, अच्छी तरह से करिए, नहीं तो स्पेशल करंट जब ज्यादा आती है तो बॉडी में जर्क लगता है, अगर रिचार्जिंग अच्छी तरह से होगी तो बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर लेती करंट, फिर झटका नहीं लगता। ठीक। तो मैंने अभी आना था तो, लेकिन अब लॉकडाउन भी हो गया और दूसरा हमारी ट्रांसफर हो रही है अब इधर से चंडीगढ़ से। अच्छा। अदर चंडीगढ़ में तो मैं भागता आ ही जाता था जब भी छुट्टी मिलती थी, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है मेरे को। अब देखो नई जगह जाऊंगा, छुट्टी मिलेगी तो पहली फुर्सत में आपके अमेरिका जाने से पहले पहले इनिशिएशन के लिए आएंगे, हम दोनों पति पत्नी आएंगे। आइए, स्वागत है। प्रणाम। सर अगर क्लोज करें, किसी को कोई क्वेश्चन है गुरुजी से आप पूछ सकते हैं, मेरा आप सबसे निवेदन ये है। और गुरुजी प्रणाम आपको, फिर से मैं विश्वजीत बोल रहा हूँ, आपको फिर से प्रणाम कर रहा हूँ, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज जो हमारे लिए प्रोग्राम के लिए राजी हुए। मैं आपको और एक सूचना भी देना चाहता हूँ आपको एंड आपके सभी भक्तों को, कि हमारा साइट का
कुछ सेंटर हमने डेवलप किए रखे हैं एंड उनमें से एक सेंटर है सेंटर फॉर योगा आयुष एंड मेडिटेशन। तो हम 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है, लवकुश जी से भी मेरा बात हो रहा था एंड लवकुश जी मेरे एडवाइजरी काउंसिल में भी है, तो हम इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर एक इंटरनेशनल वन डे वेबिनार ही करना चाहते हैं पूरा एक दिन के लिए। तो उसमें मैं चाहता हूँ आप तो मुख्य भूमिका में रहेंगे ही, साथों साथ इसके रिगार्डिंग में आपसे भी बाद में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, मैं लवकुश जी डिस्कशन कर लेंगे एंड मीना माँ से भी, तो इसको कैसे किया जाए। लेकिन ये सूचना मैं अभी जो पार्टिसिपेंट अभी यहाँ पे है मैं सबको देना चाहता हूँ, 21 जून को वो वर्ल्ड योगा डे के ऊपर हम एक फोकस करके एक इंटरनेशनल वेबिनार करने जा रहे हैं। सो आई होप एवरीबॉडी विल जॉइन विद अस एट दैट टाइम एंड लवकुश जी आपको कुछ कहना है तो प्लीज शेयर समथिंग। स्वामी जी मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने अपना इतना कीमती वक्त जो हम सभी भक्तों को दिया, इसके लिए मैं तहे दिल कोटि दिल से आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरु जी। और आपने इतना संक्षिप्त में सारी चीजें बता दी इतने छोटे से टाइम में, एक घंटे में, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी अधूरा जैसा लग रहा है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा जिनको ज्ञान लेना है, सच्चाई में ज्ञान लेना है, क्रिया योग सीखना है, वो आश्रम में जरूर आए और एक बार भक्ति में लीन हो और तब जाके देखिए कि हमारे अंदर जितने भी दुख है, जितने भी कलेश है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिसीज है, कैसे हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा शॉर्ट में कि सभी लोग जुड़े, क्रिया योग को बढ़ावा दें, क्रिया योग करें और सारे अपने प्रॉब्लम को, सारे अपने कठिनाइयों को मेडिटेशन क्रिया योग के माध्यम से दूर करें। और सत्यम योगी जी महाराज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग को एक रेगुलर वे में आप कनेक्ट करते रहिए और इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहिए ताकि हम लोग का सर्वणिम विकास हो सके। मैं फिर से आपको नमन करता हूँ झुक के और सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे संस्थान साथ जुड़े आप लोग, मैं इसका बहुत ही आभारी हूँ। गुरु जी आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम करते हैं। चलिए भाई लवकुश जी, विश्वजीत जी, आप लोग थैंक यू, दुनिया में ऐसा काम करिए, दुनिया के साथ राष्ट्र से जुड़े, अपने राष्ट्र का गौरव फिर से स्थापित हो, हमारी प्रार्थना रहेगी हम आपसे जुड़े रहे। प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम।